नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द सेट। सेट क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है न्यूमेरिक टाइप क्या होता है, बुलियन टाइप क्या होता है, नन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी इस समय क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेट आज हम लोग पढ़ेंगे। सेट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सेट कैसे बनता है, ये सब सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखे तो सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि व्हाट इज द सेट, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है या एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसके बारे में जान लें। थोड़ा सा जो चीजें हमने यहाँ पे हाईलाइट की है दोस्तों, उसको आप भी चाहे तो एक प्रॉपर एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट क्या है कि यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है, यह एक अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर का मतलब होता है यह मेन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। जब हम वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हैं तो स्टोर करते समय जिस ऑर्डर में वैल्यू को स्टोर करते हैं वह ऑर्डर यह मेंटेन नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। और यह क्वेश्चन आप हेटरोजीनियस, हेटरोजीनियस का सेंस है कि दोस्तों अनेक प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर करता है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक प्रकार के डेटा को स्टोर करना। तो इसमें हम एक ही समय पर न्यूमेरिक इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप जैसे अनेक चीजों को इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट है जो है वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ये हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। और सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब है कि हम इसके अंदर वैल्यू को दोबारा से स्टोर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। इस प्रकार से यह चेंजेबल अर्थात म्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, डेटा टाइप था, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं सेट में। इस प्रकार से यह जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। और सेट की क्लास जो है सेट है, जैसा कि इंटीजर क्लास INT होती है, स्ट्रिंग की क्लास str होती है, वैसे सेट क्लास सेट है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि सेट जो है सेट के अंदर यानी सेट सेट टाइप के साथ में हम मैपिंग, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग आपने देखा है, स्ट्रिंग में मैपिंग होती है डिक्शनरी में, तो वो सब ऑपरेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा आइटम्स को चाहें तो सबस्क्रिप्ट के द्वारा इंडेक्स नंबर का यूज करके एक्सेस करें, वो उस प्रकार के इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हम सेट में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, और भी चीजें हैं जैसे कि सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन जब डिस्प्ले कराता है तो सिर्फ यूनिक वैल्यू को स्टोर कराता है। दोस्तों यूनिक वैल्यू ही वो डिस्प्ले होती है। स्टोर करते समय हम चाहे डुप्लीकेट वैल्यू दे दें, लेकिन जब वो डिस्प्ले होगी तो यूनिक वैल्यू ही डिस्प्ले होगी, वो डुप्लीकेट वैल्यू कभी डिस्प्ले नहीं करता है। और दोस्तों सेट का प्रयोग जो है मैथमेटिकल सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा, जैसे इंटरसेक्शन है, यूनियन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो इसके अलावा भी दोस्तों सेट एक डायनेमिक साइज प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेट में डेटा को हम निकाल सकते हैं तो छोटा हो जाएगा, और डिलीट कर सकते हैं इसमें से डेटा। हम जब रीड करेंगे, जब रिमूव करेंगे तो छोटा हो जाएगा सेट। अगर हम और डेटा स्टोर करेंगे तो सेट का साइज जो है, जो सेट का साइज होता है, मेमोरी का साइज, वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो साइज है वो डायनेमिक है, अर्थात हम इसको चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम सेट को बनाएंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। ये जो हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है दोस्तों, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस चीज को बनाने के लिए किस प्रकार के सिंबल का यूज होता है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि हम सेट को बनाते कैसे हैं, सेट कैसे बनता है, कैसे वैल्यू को हम इसमें से एक्सेस करते हैं, कैसे इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों सेट को क्रिएट करने के वैसे तो कई तरीके हैं, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पहला तरीका यह है कि हम सेट को सेट का नाम यहाँ पे हमने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स का बड़ा महत्व है। सिंटेक्स एक तरीका बताता है कि हम कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे। हर एक चीज का एक सिंटेक्स आप ध्यान दीजिएगा, यानी तरीका, यानी सेट का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे,
एलिमेंट को हम सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कामा साइन का यूज करेंगे। देखिए एलिमेंट वन है, फिर कामा है, फिर एलिमेंट टू है, फिर कामा, फिर एलिमेंट थ्री है, फिर नहीं है तो ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया है, ब्रेस लगा के। अब देखिए एग्जांपल भी हमने दे दिया है सिंपल, बहुत सारे आइटम्स हमने स्टोर किए हैं, हमने इसको प्रिंट कराया है, उसका टाइप भी चेक किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, यहाँ पे क्लास टाइप उसका सेट है। इस बात को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वास्तव में क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब देखिए जैसे हमने एक सेट ले लिया सेट वन, अब हमने यहाँ पे जो है इसको कर्ली ब्रैकेट के द्वारा इसके अंदर डेटा आइटम को स्टोर कर लिया है। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हम स्टोर करते हैं, हमने लिया 4, 3, 6, 1, 8, इसको हम डिस्प्ले कराते हैं। अगर डिस्प्ले कराते हैं साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो प्रिंट में हमने सेट वन लिख दिया, अभी हमको इसका टाइप भी चेक करना है। तो प्रिंट, यहाँ पे हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप लिखा, टाइप के अंदर हमने लिखा सेट वन। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज ये दिया, सारी वैल्यूज दिया है, प्लस टाइप बताया है कि ये जो है टाइप इसका सेट है। अच्छा, ये वैल्यू को देखिए जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में नहीं दिया, इन्होंने वैल्यू को अपने हिसाब से अरेंज करके दूसरे ऑर्डर में दिया है। इसमें हम अन्य प्रकार के डेटा की वैल्यू भी स्टोर करते दोस्तों। जैसे हमको जो है दशमलव की वैल्यू को स्टोर करना है तो 89.9 दिया। अगर हमको कोई भी नाम स्टोर करना है तो हमने दिया राजेश कुमार, इस प्रकार से हमने दिया। अभी दोबारा से रन करा लेते हैं, रन कराएंगे तो देखिए दोस्तों सारी वैल्यूज आई और सेट टाइप आया। देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इंडिजर वैल्यू है, उसको इन्होंने जो है अरेंज कर दिया है। ये देखिए दोस्तों इन्होंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज को। तो ये वैल्यूज वैल्यूज को कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में भी प्रोवाइड कर देता है हमको। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कैसे हम सेट को बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि वास्तव में सेट जो है और कितनी तरीकों से बनता है। सेट को हम सेट फंक्शन से भी बना सकते हैं दोस्तों। सेट फंक्शन एक फंक्शन है जो सेट को बनाने के लिए यूज होता है। सिंटेक्स भी हमने आसानी से बताया है, यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब सेट फंक्शन के अंदर हमको वैल्यू को स्टोर करना है, देना है, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे और सेपरेट करने के लिए जो है कामा का साइन लगा देंगे। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दिया है, सेट का नाम हो गया यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सेट जो है, सेट एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को जो है कर्ली ब्रैकेट में दे दिया है और हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। तो इसका टाइप भी सेट आ गया है और यहाँ पे वैल्यूज भी सेट हो गई है, यहाँ पे वैल्यूज भी वैल्यू भी आपकी डिस्प्ले हो गई है और इसका सेट डेटा भी आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमको सेट फंक्शन का यूज करके सेट बनाना है दोस्तों, तो सेट का नाम हम कुछ भी ले लें, हमने सेट वन पहले की तरह ले लिया। अब सेट ये फंक्शन है दोस्तों, सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन के अंदर हमको वैल्यू को पास करना है। वैल्यू को पास करने के लिए हम इसका ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसके अंदर कामा सेपरेशन का यूज करते हुए हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे। कोई भी वैल्यू को, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ओ लेबल। अब इसको हम इसका टाइप चेक करते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे प्रिंट, सेट वन, इसके टाइप चेक करना है, इसका टाइप चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन लगा देंगे। प्रिंट टाइप, इसको रन कराते हैं दोस्तों। हाँ, वन टाइप टेक्स वन आर्गुमेंट। देखिए दोस्तों जब हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो टाइप करते समय हमको ध्यान देना है आर्गुमेंट इसमें हमने लिखा नहीं था, सेट वन। अब इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं, ये टोटल आ गया पूरा डेटा इसका। प्रोग्राम में दोस्तों एरर को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एग्जाम में लगभग एक नंबर, कई क्वेश्चन है जो है एक एक नंबर का जाते हैं कि इसमें एरर क्या है, उसमें एरर क्या है। तो एरर को पकड़ना भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते थे कि कैसे हम एरर को फाइंड आउट करेंगे।
अच्छा, इरर लिख के क्या आता है उससे समझ में आता है कि एक्चुअली में इरर क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सेट बना दिया, सेट फंक्शन से, और उसको डिस्प्ले भी करा लिया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब इस सेट और कैसे बन सकता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक बात है, सेट में अभी दो तरीका आपने देखा, और आगे देखिए सेट जो है, अगर हम सेट को खाली छोड़ देते हैं दोस्तों, एकदम से खाली छोड़ देते हैं, तो वो एक्चुअली में डिक्शनरी की तरह ट्रीट होता है। जैसे यहाँ पे हमने सिंटेक्स लिखा हुआ खाली छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने सिंपल खाली छोड़ दिया है एग्जाम्पल के रूप में। अगर हम उसको टेस्ट करते हैं डिक्शनरी के रूप में ट्रीट होता है, तो जब डिक्शनरी के रूप में ट्रीट होता है तो हम उसको सेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्टोर करके भी। तो सिंपल यहाँ पे जो है खाली नहीं छोड़ना है। अगर हमने खाली छोड़ दिया तो वो डिक्शनरी हो जाएगा, अगर हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया तो वो सेट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए दोस्तों, हमने सेट बनाया, सेट वन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे सेट को खाली छोड़ा। अब हम प्रिंट करते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। देखिए खाली देगा, ये एकदम एम्प्टी है। अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं दोस्तों, प्रिंट सेट वन, देखिए दोस्तों इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी है, क्लास टाइप, और ये एम्प्टी है। अगर हम इसमें शुरू में वैल्यू को स्टोर कर देते हैं तो क्या होगा, इसी को हम नीचे ले लेते हैं, दोबारा हम इसमें वैल्यू को स्टोर कर देते हैं दोस्तों। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखिए दोस्तों, अभी वो खाली था तो डिक्शनरी दिया, लेकिन अगर उसमें वैल्यू को स्टोर कर देते हैं तो वो सेट हो गया। तो खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ने पर वो सेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कैसे सेट को बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करें दोस्तों। इसमें कई मेथड हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। पहला मेथड ऐड है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जब हम ऐड फंक्शन का यूज करेंगे तो एक ही एलिमेंट वो एक बार में स्टोर करेगा, तो हमको ऐड मेथड के अंदर एक ही आर्गुमेंट देना है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एक सिंटेक्स बताया हुआ है, ऐड सिंटेक्स, सेट का नाम रहेगा डॉट ऐड। ऐड एक मेथड है जो सेट का अपना मेथड है, सेट एक क्लास है, और ये एक मेथड है, इसलिए डॉट लगा है एक्सेस करने के लिए मेथड को। यहाँ पे एलिमेंट है यानी जो वैल्यूज है, तो इसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ, एक सेट बनाया सेट फंक्शन से, इसमें हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया है ऐसा। अच्छा, नॉर्मली बिना फंक्शन के भी अगर हम सेट बनाते हैं तो हम ऐड फंक्शन से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इन सभी का प्रैक्टिकल आपको हम दिखाते हैं, हालांकि यहाँ पे भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे 4 3 हमने ऐड किया है, फिर उसको डिस्प्ले कराया है, टाइप भी चेक किया है तो आया है 3 4 और सेट आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले सेट बनाते हैं, सेट फंक्शन से सेट बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं, फिर नॉर्मल सेट बनाते हैं। हमने यहाँ पे सेट वन लिया इज इक्वल टू, सेट फंक्शन से हमने सेट बनाया, अभी खाली है। अब चाहे तो टाइप चेक करते हैं इसका, प्रिंट हमने लिखा। नॉर्मली अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए क्या देगा दोस्तों, सेट वन हो गया। अगर हम इसको टाइप चेक करते हैं इसका, प्रिंट यहाँ पे हमने लिखा सेट वन, इसको हम डिस्प्ले कराते हैं तो देखिए दोस्तों खाली है और इसका टाइप सेट है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। तो सेट का नाम लिखेंगे, सेट का नाम जो है वन है, सेट वन है, डॉट ऐड फंक्शन हम यूज कर लेंगे, सेट वन डॉट ऐड हो गया। इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट स्टोर कर लेंगे दोस्तों, कोई भी एलिमेंट, हमने दिया 5, इसको रन कराया, स्टोर हो गया। लेकिन अभी एलिमेंट क्यों नहीं डिस्प्ले हो, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले कराया नहीं है। अभी फिर से इसको डिस्प्ले कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 हमने स्टोर किया था, 5 आ गया। अगर हम इसके अलावा और भी स्टोर करते हैं दोबारा से, इसी लाइन को हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आपको दोबारा लिखना है दोबारा लिख सकते हैं दोस्तों, टाइम बचेगा। अगर आप कॉपी करते हैं, 15 ले लिया,
और भी एक एलिमेंट हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, अल्फाबेटिक अर्थात स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे ले लिया ओ लेवल, तो अब हम इसको रन कराते हैं दोस्तों। यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई आई एस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम जो है सेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं ऐड फंक्शन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास सामने जो है एक अपडेट मेथड है। अपडेट मेथड से भी हम जो है वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अपडेट मेथड को जाने से पहले छोटा सा आपको बताना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से और भी चीज़ें स्टोर, जैसे हमको हमने अभी सेट आपको बना के दिखाया, हमने फंक्शन से सेट बनाया। अगर हम बिना फंक्शन के भी सेट बनाते, जैसे नॉर्मली हम सेट बनाते हैं, जैसे हमने लिखा सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया, और तब हम चाहें तो ऐड फंक्शन का यूज कैसे करें वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे फोर किया हमने, फाइव सिक्स किया और थ्री दिया। अब यहाँ पे हमने जो है प्रिंट किया दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर प्रकार से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में खास बात है कि क्या होना चाहिए ये भी पॉसिबल, ये सारी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, और कैसे नहीं होगा ये इम्पॉसिबिलिटी भी जरूर आनी चाहिए, ताकि पता चले कि सही क्या क्या हो सकता है, गलत क्या क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं। सेट वन प्रिंट हो गया। अभी इसको इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप चेक करने से पता चलेगा कि एक्चुअली में सेट बना है कि नहीं बना है। टी वाई पी टाइप टाइप हो गया दोस्तों। अब जो है यहाँ पे हम सेट वन कर देंगे। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एरर दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है कि ये हमको इसके अंदर नहीं लगाना दोस्तों। हाँ, ये हो गया सेट। अब हम इसके अंदर ऐड फंक्शन का यूज करेंगे। ऐड फंक्शन का यूज कैसे करेंगे? सेट का नाम है सेट वन, यहाँ पे डॉट ऐड। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। हमने फाइव दिया, फिर से हम कोई भी ऐड का यूज करके जो है वैल्यू को हम देना चाहें तो दे सकते हैं। एक हमने 15 दे दिया, यहाँ पे चाहे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। हमने लिखा जो है आर ए जे ई एस एच राजेश। अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं दोस्तों। अब जो है ये डिस्प्ले हो गया सेट। प्रिंट फंक्शन हमने लिखा नहीं है नीचे, तो डिस्प्ले नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट लिख दिया, साथ साथ हमने उसका टाइप भी चेक कर लिया है, तो यहाँ पे है सर वैल्यू जगह सेट आ गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में हम ऐड मेथड का यूज किस प्रकार से कितने तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपडेट मेथड की ओर। हाँ दोस्तों, अपडेट मेथड एक ऐसा मेथड है जो वैल्यू को सेम तरीके से स्टोर करता है सेट के अंदर, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि हम चाहें तो एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी यहाँ सबसे खास बात है दोस्तों। तो इसका देखिए सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। सेट नेम है डॉट, अपडेट मेथड है। एलिमेंट को हमको जो है सेम, जब एक से अधिक एलिमेंट होते हैं तो हमको जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपडेट फंक्शन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट दे दिए हैं। इस एग्जांपल भी आप देख सकते हैं सामने। देखिए दोस्तों, ये है सेट हमने बना लिया है। अब सेट नाम है डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हमने पास कर दिए हैं, उसको डिस्प्ले भी करा लिया है। इस बात को हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं दोस्तों, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे अपडेट मेथड का यूज हमको करना है सेट के अंदर, तो सेट में हम कोई भी वैल्यू सेट हमने ले लिया, सेट का नाम ले लिया इज इक्वल टू, हमने कोई भी वैल्यूज पहले से स्टोर कर ली। कुछ वैल्यूज हमने जो है फोर स्टोर किया और फाइव स्टोर किया। इसको हम चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा सेट वन। इसका टाइप भी हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप। सेट वन इसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ पे आइए सेट टाइप वन। अब हम यहाँ पे अपडेट मेथड लगाएंगे दोस्तों। अपडेट मेथड क्या करेगा? हमारी वैल्यू को जो भी वहां पे वैल्यूज है उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। सेट वन नाम हो गया डॉट अपडेट मेथड है। ये एक मेथड, इसमें हमको मल्टीपल वैल्यूज को पास करना है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद बहुत सारी वैल्यू को दे सकते हैं, जैसे कि फोर फाइव है, हम सिक्स दे दिया, एट दे दिया, टू दे दिया। इसको डिस्प्ले भी हम करा लेते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारी वैल्यूज स्टोर हो गई। हम चाहें तो इसमें
जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहे अल्फाबेटिकल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। हमने लिखा कि यहाँ पे ओ लेवल, और कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू 67.8। तो देखिए दोस्तों, हमने अपडेट मेथड का यूज करके एक ही बार में एक से अधिक वैल्यू को किस प्रकार से स्टोर किया है। तो ये हो गया अपडेट मेथड हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि दोस्तों अपडेट मेथड में दोस्तों थोड़ा सा पीछे भी चल सकते हैं, यहाँ पे सेम चीजें हैं। अच्छा एक चीज है दोस्तों, हाँ एक चीज आपको बताना है कि वास्तव में हम दो सेट को कैसे आपस में जोड़ सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे एक्चुअली में हमने लिखा भी हुआ, आप देख भी सकते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा समय लगेगा दोस्तों, कि कैसे हम बहुत सारे सेट को एक सेट बना सकते हैं। जैसे सेट वन हमने लिया, हमने कुछ एलिमेंट स्टोर किया दोस्तों, अब हमने दो सेट बनाए। सेट टू ले लिया, हमने कुछ एलिमेंट इसमें स्टोर किया, एक अल्फाबेटिक वैल्यू भी स्टोर की। अब हम दोनों सेट को एक कैसे बनाएंगे, तो अपडेट मेथड है। हमने लिखा सेट वन, सेट का नाम है डॉट, अपडेट किया, और अपडेट मेथड है इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को पास करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज के स्थान पर हम जो है किसी सेट को ही पास कर सकते हैं। हमने लिखा सेट टू, अब हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज जो है सेट वन में है। हमने क्या किया, प्रिंट, हमने लिखा सेट वन, इसके टाइप को भी हम चेक करा सकते हैं, सेट वन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने जो है, अच्छा टाइप नहीं चेक किया है, टाइप चेक कर लीजिए दोस्तों, टाइप से हमको पता चलेगा एक्चुअली में हम लोगों ने सही सेट बनाया है कि नहीं बनाया है। ये देखिए दोस्तों, ये सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया, अब इसे डेटा टाइप हो गया। अब देखिए हम लोगों ने कैसे दो सेट से जो है एक सेट बनाया। अब दोस्तों यहीं पर हम लोग जो है एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अक्सर ओ लेवल में एग्जाम में जो है दो चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ऐड मेथड एंड अपडेट मेथड। ऐड मेथड जो होता है वो जो है सिंगल वैल्यू को एक बार में स्टोर करता है, और जो अपडेट मेथड होता है वो एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को सेट में स्टोर करता है। दोस्तों यहाँ आपने देखा सेट कैसे बनता है, सेट में हम कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेट से रिलेटेड और भी जो ऑपरेशन है वो क्या क्या हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।